कांग्रेस त्रिवेदी स्मृति स्थल का हुआ भव्य अनावरण, सैकड़ों लोगों ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार गौरव श्रीवास्तव को सुरेश त्रिवेदी पत्रकार रत्न से किया गया सम्मानित। कानपुर पत्रकारिता के अमिट हस्ताक्षर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश त्रिवेदी की प्रथम पूर्ण तिथि पर संध्या पर अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के हिंदी पत्रकार भवन में सुरेश त्रिवेदी स्मृति स्थल का अनावरण तथा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार गौरव श्रीवास्तव को सुरेश त्रिवेदी पत्रकार रत्न से सम्मानित किया गया एवं सैकड़ों पत्रकारों, राजनीतिकों, सामाजिकों, संगठनों के प्रतिनिधियों व उद्यमियों ने सर्वज्ञ सुरेश जी की निष्पक्ष व निडर पत्रकारिता की जमकर तारीफ। वक्ताओं ने कहा कि सुरेश जी की पत्रकारिता से नौजवान पत्रकारों को सीखना चाहिए, वह सभी के लिए नजीर पेश कर गए हैं। अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब हिंदी पत्रकार भवन आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सुरेश जी के चाहने वालों का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने उन्हें अपना मार्गदर्शक बताया। सांसद सत्यदेव पचौरी ने उन्हें सच्चा व निडर पत्रकार बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की सलाह दी। विधायक महेश त्रिवेदी ने सुरेश जी के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभव को साझा किया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने उन्हें अपना पथ प्रदर्शक बताया। संघर्ष काल के अपने और उनके अनुभवों को साझा किया। पूर्व मंत्री एवं विधायक नीलिमा कटियार ने सुरेश त्रिवेदी जी की पत्रकारिता को क्रांति वीर बताया। विधायक हसन रूमी ने कहा कि सुरेश जी ने समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते थे। इस मौके पर कानपुर जर्नलिस्ट के अध्यक्ष ओम बाबू मिश्रा ने कहा कि सुरेश जी के देखे सपने को साकार किया जाएगा। जर्नलिस्ट क्लब के इस वर्ष की तरह हर वर्ष एक निडर पत्रकार का सम्मान करता रहेगा। जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी ने कहा कि सुरेश त्रिवेदी के सिद्धांतों पर चलकर पत्रकारों के लिए जर्नलिस्ट क्लब संघर्ष करता रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में सुरेश जी की पत्नी अंजू त्रिवेदी, दोनों पुत्र सौरभ और मणि व अन्य परिजन उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री गुरुविंदर सिंह छाबड़ा, विकी संजीव पाठक, कनिष्क पांडे, फतेह बहादुर सिंह गिल, वीरेंद्र चतुर्वेदी, विनीत दीक्षित, पनकी महंत, कृष्णदास, सिद्धनाथ घाट के महंत चेतन, अरुण पुरी, पूर्व पार्षद अशोक तिवारी, पप्पू, दीपू ठाकुर, संजीव चौहान, भाजपा नेत्री मीनाक्षी गुप्ता, पूजा दुबे, अजय द्विवेदी, डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, निन्नी पांडे, सन्नी जायसवाल, संजीव चौहान, दया व्यापार मंडल के संजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विनय मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार ब्रिज मिश्रा, कुमार त्रिपाठी, कैलाश अग्रवाल, विवेक खरे, गजेंद्र सिंह, ओम चौहान, आदित्य द्विवेदी, तनवीर, विनय गुप्ता, अविनाश उपाध्याय, जर्नलिस्ट क्लब के विकी रघुवंशी, आलोक अग्रवाल, शैलेंद्र मिश्रा, मोहम्मद कैफ, दिलीप अश्वानी, अजय त्रिपाठी, शानू अग्निहोत्री, विशाल सैनी, जीपी अवस्थी, राजन शुक्ला, पंकज अवस्थी, हारून जाफरी, राकेश पांडे समेत सैकड़ों राजनीतिक, सामाजिक एवं पत्रकार लोग मौजूद रहे। स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठभिः स्वस्ति नौ बृहस्पति दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयवोऽस्थिषु पयोदिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्थितिः पुरिसा सन्तु मह्यम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षपुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधि। ये महानगर कानपुर का क्षेत्र, इसमें एक से एक धर्म और विद्वान जिनकी कलम से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अथवा राष्ट्रोत्थान के लिए अथवा राष्ट्र में न्याय परंपरा कैसे स्थापित हो, ज्यादातर ये होता है कि भूल जाते, लेकिन सुरेश त्रिवेदी ऐसे व्यक्ति थे कि उनको भूलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कि हमने उनसे कुशल राजनीतिक विश्लेषण पत्रकार के रूप में नहीं देखा उनका। और आप भी आ जाइए, ओम स्वस्ति न इंद्रो गृहस्थः स्वस्ति न भूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठभिः स्वस्ति नौ बृहस्पतिः दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयवोऽस्थिषु पयोदिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्थितिः पुरिसा सन्तु मह्यम्
ओम भूखु शांति रंजनक्षुभ शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधि। ये महानगर कानपुर का क्षेत्र, इसमें एक से एक धन्य और विद्वान जिनकी कलम से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अथवा राष्ट्रोत्थान के लिए अथवा राष्ट्र में न्याय परंपरा कैसे स्थापित हो। संस्मरण याद है कि हमारे पार्टी कार्यालय में सुरेश अवस्थी जी आए, सुरेश त्रिवेदी जी आए और आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुमने गंगा भी सूख जाती है, मना कहा रहती है, ये महल अट्टालिकाएं भी नहीं रहते, इसमें पे झूमर या दीवाले भी नहीं रहने वाली है, इसलिए कले पर नहीं रहने वाला है। तो इसलिए वेदा विनाशिन नित्यम या एन मज्मव्यम कथम सा पुरुषं पार्थ कम घाते थे हंसकम या इदम वेति हंतारम्भक्षीणम मन्यते हितम् उभौ तो लो बिजाने तो नायम हन्ति न हन्यते। इसको कोई हन्ने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, मगर कलेवर जो देह है वो किसी काल में संरक्षित नहीं रह सकती है। कितना सिकोर रखो, कितना सुरक्षित रखो, कितना इसको सुंदर तरीके इसको जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उच्च कोटि की इसको दो और बहुत इसको सिक्योरिटी में रखो, फिर भी ये देह रहने वाली नहीं है। तो हम सभी लोग आज परम सम्माननीय श्री सुरेश त्रिवेदी जी, जो एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करते थे और देश के सर्वांगीण विकास में जिनकी लेखनी हमेशा अग्रणी रहती थी, उनके सुरेश त्रिवेदी जी की आज पुण्यतिथि थी। वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे और वो इतने प्रखर वक्ता थे और इतने सच्चाई के मार्ग में चलने वाले थे कि जैसी कोई बात आ पड़ती थी तो बहस भी कर जाते थे, उलझ भी जाया करते थे, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग कभी भी छोड़ा नहीं। ऐसे अच्छे पत्रकारों के लिए हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। साथ ही में उनके नाम पर एक पत्रकार भाई को अभी हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है, नाम नहीं याद आ रहा, गौरव जी के लिए। तो हम कहेंगे कि ऐसे ही हमारे जितने पत्रकार भाई आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो पत्रकारिता हमारी है वो तो सच्चाई के मार्ग पर चले, एक दर्पण लेकर चले, जो सत्य हम वही दिखाएंगे, असत्य का दामन नहीं लेंगे। और हमारी सरकार भी इसी चीज़ को प्राथमिकता दे रही है और हमारा ऐसा मानना है जब से मैं राजनीति में आई कि सच्चाई का दामन है साथ में। ज्यादातर ये होता है कि भूल जाते, लेकिन सुरेश त्रिवेदी ऐसे व्यक्ति थे कि उनको भूलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए कि हमने उनसे कुशल राजनीतिक विश्लेषण पत्रकार के रूप में नहीं देखा उनका। और आप भी आ जाइए, कानपुर का क्षेत्र, इसमें एक से एक धन्य और विद्वान जिनकी कलम से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अथवा राष्ट्रोत्थान के लिए अथवा राष्ट्र में न्याय परंपरा कैसे स्थापित हो। संस्मरण याद है कि हमारे पार्टी कार्यालय में सुरेश अवस्थी जी आए, सुरेश त्रिवेदी जी आए और आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुमने गंगा भी सूख जाती है, मना कहा रहती है, ये महल अट्टालिकाएं भी नहीं रहते, इसमें पे झूमर या दीवाले भी नहीं रहने वाली है, इसलिए कले पर नहीं रहने वाला है। तो पावन आत्मा को किसी काल में सूर्य इसको शोषित नहीं कर सकता, सस इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती है, इसलिए वेदा विनाशिन नित्यम या एन मज्मव्यम कथम सा पुरुषं पार्थ कम घाते थे हंसकम।
या इनम विधिहंतारम निक्षीणम मनते हितम उभौ तो लो बिजानी तो नायम हंती न हनते। इसको कोई हनने वाला नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, मगर कलेवर जो देह है वो किसी काल में संरक्षित नहीं रह सकती है। कितना सिकोर रखो, कितना सुरक्षित रखो, कितना इसको सुंदर तरीके इसको जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उच्च कोटि किसको दो और बहुत इसको सिक्योरिटी में रखो, फिर भी ये देह रहने वाली नहीं है। तो हम सभी लोग आज परम सम्माननीय श्री सुरेश त्रिवेदी जी जो एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करते थे और देश के सर्वांगीण विकास में जिनकी लेखनी हमेशा अग्रणी रहती थी, उनके